वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको साबूदाने की टिक्की बनाना सिखाऊंगी। इस टिक्की को आप सेंधा नमक डाल के फास्ट में भी खा सकते हैं और नॉर्मल नमक डाल के आप नॉर्मल स्नैक्स में चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ चलिए, मैंने साबूदाना लिया है 1.5 कप और इसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और ये अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसको छान लेंगे और छान के इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रख देंगे जिससे कि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। यहाँ पे मैंने 1 कप मूंगफली लिया है और मूंगफली को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है और रोस्ट करके इसका सारे छिलके निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी मूंगफली में एक भी छिलके नहीं है, मैंने इसको निकाल लिया है। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि उनकी मूंगफली में से छिलके प्रॉपरली निकल नहीं पाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मूंगफलियों को अच्छे से रोस्ट करना है और उसको एक साइड में ठंडे होने के लिए रख देना है। जब मूंगफली ठंडी हो जाए तो उसको हल्के हाथों से मसल के, ऐसे मसल के आपको उसके छिलके निकाल लेने हैं। मूंगफली ठंडी होती है तो ईजिली उसके छिलके निकल जाते हैं। अब इन मूंगफलियों को मिक्सी जार में डाल के हमें दरदरा करना है। मैंने इसको हल्का सा दरदरा मिक्सी जार में पीस लिया है, ऐसे ही आप भी पीस के इसको भी साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 मिर्चा लिया है। मिर्चे को आपको कैसे काटना है, सब्जी में डालने के लिए हम प्रॉपर ऐसे काटते हैं, आपको ऐसे नहीं काटना है। मैं आपको काटने का तरीका बताती हूँ। इसको बीच में से ऐसे काट लेना है, फिर बीच में से क्रैक दे देना है। अब ऐसे इसको छोटा छोटा काट लेना है। ऐसे करने से हमारी जो मिर्ची है वो प्रॉपरली कटेगी और खड़ा खड़ा टिक्की में नहीं दिखेगा। ऐसे ही मैं सारे मिर्चों को बीच में से क्रैक कर लेती हूँ और उसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है और मैं इसको अच्छे से मैश कर लूंगी। अब हमारे पास ये 4 चीज़ रेडी हो गई है। ये आलू है जिसको मैंने मैश कर लिया है, यहाँ मैंने मिर्चा हरा मिर्चा बारीक कट कर लिया है, यहाँ पे मूंगफली को मैंने बारीक पीस लिया है और यहाँ पे साबूदाना है जो इसका पानी अच्छे से निकल गया है, और मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिया है जो मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी। अब इन सबको हमें मिला लेना है। इसमें हम हरा मिर्चा डाल देंगे जो हमने इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको अच्छे से बाइंड कर लेना है। याद रहे कि पानी बिल्कुल ना हो जिससे कि। अब हाथों में तेल लेना है और ऐसे गोल करके हल्का सा प्रेस करके टिक्की तैयार कर लेना है। मैंने सारी टिक्कियां बना ली हैं।
अब मैंने कढ़ाई ले लिया है, उसमें तेल डाल लिया है। अब हम टिक्की को तेल में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें रखना है और इसको धीरे धीरे बनाना है। मैं आपको कढ़ाई के साथ साथ सॉस पैन में भी आपको बना के दिखाती हूँ। अगर आपको शैलो फ्राई करना है, हाफ फ्राई करना है, तो मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है और इसमें भी मैं इसकी आपको डाल के दिखाती हूँ। मैं आपको दोनों तरीकों से ही करके दिखाती हूँ। यहाँ पे कढ़ाई में जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तो हमें इसे पलट देना है। यहाँ पे हम डीप फ्राई करके मैं दिखा रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और चाहे तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये हल्का सा हो जाने पे इसे हमें ऐसे पलट देना है। मैं आपको दोनों ही तरीकों से करके दिखा रही हूँ। इसको धीरे धीरे पलट पलट के हल्का हल्का लाइट ब्राउन कलर होने तक इसको पकाते रहना है। और इस पे भी हमारी टिक्की, जो कि आप देख सकते हैं, इसको भी पलट पलट के हमें पकाना है। ये हमारी टिक्की हो गई है। डीप फ्राई में टिक्कियाँ जल्दी बन जाती हैं, तो अब हम इसको निकाल देंगे। यहाँ भी हमारी टिक्कियाँ हो गई हैं, आप देख सकते हैं। शैलो फ्राई करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है डीप फ्राई से। आप ऐसे फॉर्क की मदद से इसको पलटते हुए बनाते होंगे। ऐसे ही बाकी भी टिक्कियाँ हम डाल के मीडियम फ्लेम पे सारी टिक्कियों को डाल के डीप फ्राई कर लेंगे। ये हमारी शैलो फ्राई भी हो गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने दही लिया है टिक्की के साथ, इसको कैसे खाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे दही ले लिया एक कटोरी, और यहाँ इसमें मैं जीरा, जो मैंने भून के मसाला बना के पहले से ही रख लिया था, इस दही में थोड़ा सा डाल दूँगी और डाल के इसको अच्छे से मिला लूँगी। अगर आप सेंधा नमक खाते हैं तो इसमें सेंधा नमक मिक्स करके भी दही को टिक्की के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती हूँ इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। देखिए दही हमारा रेडी हो गया है,
और ये हमारी टिक्कियाँ हैं, आप इसको टिक्की के साथ, इसको दही के साथ खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको अपनी टिक्की दिखाती हूँ, ये देखिए दोनों तरफ से मैं दिखा रही हूँ, आप देखिए कितना परफेक्ट बना है। तो आप इसको जरूर ट्राई करें। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे अपना सपोर्ट दें। थैंक यू।